नमस्कार, पांच की आज आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। महज 5 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मकान गिरा दिया है। अवैध तरीके से यह मकान बनाया गया था जिसको ध्वस्त किया गया। तो छतरपुर में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप था इस पर। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो अपराधियों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। अपराधियों को सजा तो मिलती ही है ही, उनके अवैध निर्माण को भी सरकार ध्वस्त करने का काम कर रही है मध्य प्रदेश में। और इसी कड़ी में छतरपुर में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है इस पर। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही इस दौरान। तो बुलडोजर आप देख रहे हैं, बुलडोजर गरज रहा है और ये मकान जो अवैध तरीके से बनाया गया था उसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। पूरा मामला रेप से जुड़ा हुआ है, जहां महज 5 साल की मासूम के साथ रेप किया गया और उसके बाद अब आरोपी के घर पर एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये घर भी अवैध तरीके से बनाया गया था और अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। फिलहाल आरोपी पर भी कार्रवाई की बात सामने आ चुकी है और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। उधर इंदौर में अवैध शराब तस्कर और पुलिस के बीच कार रेसिंग हुई। जी हां, पुलिस ने 1.5 किलोमीटर पीछा कर अवैध शराब को पकड़ा। आपको बता दें कि जो पकड़ी गई अवैध शराब है इसे भारी मात्रा में जब्त किया गया है और भागते समय कार खंभे से टकरा गई। दो आरोपी मौके से फरार हो गए। लगभग 1.5 लाख की शराब जब्त की गई है। अन्नपूर्णा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो करीब करीब 1.5 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने तस्करों को पकड़ा। अन्नपूर्णा पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी